नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसुका एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज, डबल लैंड लॉक कंट्रीज, बफर कंट्री, आइलैंड्स, पेनसुला, कैप, क्रीक, गल्फ, बे एंड बाइट, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। तो कॉन्टिनेंट होता क्या है? देखिए, कॉन्टिनेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने कॉन्टिनेंट की अलग अलग परिभाषा दी है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कॉन्टिनेंट मतलब कि धरती का एक विस्तृत क्षेत्रफल होता है कॉन्टिनेंट के पास। और ये कितने हैं? तो ये सात हैं। सबसे पहले नंबर पे है एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशियानिया। यानी कितने कॉन्टिनेंट हो गए? सेवन। और जो मैंने यहाँ पे नंबरी करी है, ये इनके एरिया के हिसाब से करी है। देखिए, नेक्स्ट रहेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? देखिए, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि धरती का एक विस्तृत भाग होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। अब ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? देखिए, सब कॉन्टिनेंट का मतलब रहेगा कि कोई कॉन्टिनेंट है और कोई एरिया किसी कारण से उससे अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। वो अलग कैसे होगा? या किसी नदी द्वारा होगा, किसी पहाड़ द्वारा होगा और किसी पर्वत श्रृंखला द्वारा होगा, उसे हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। तो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो ये कैसे बना है और ये कैसे अलग? देखिए, ये है पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। इनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं हिंदू कुश। ये यहाँ से आ जाती है और यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है इसको तो आप जानते ही हैं, ये हिमालय श्रृंखला है, हिमालय पर्वत मतलब। और ये है म्यांमार, म्यांमार में इसी का भाग आएगा, यानी हिमालय का ही भाग आएगा, उसको हम बोलते हैं आराकान योमा पर्वत। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये एरिया हैगा, जो यहाँ से लेके मतलब पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया को कवर करता हुआ और म्यांमार को अलग करता हुआ, ये आपको एरिया दिख रहा होगा, ये एकदम जो एशिया कॉन्टिनेंट है उससे अलग हो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितने देश आते हैं। तो इसके अंदर सात कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले है मालदीव। अब ये भी तो एशिया का ही पार्ट है, अब ये भी तो अलग हो गया है ना उनसे, तो इसीलिए ये भी इसका पार्ट। अब यहाँ पे है श्रीलंका और डेफिनेट सी बात है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश। तो ये सात कंट्रीज हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भाग हैं। नेक्स्ट है लैंड लॉक कंट्रीज। तो ये जानने से पहले कि कौन कौन सी कंट्रीज लैंड लॉक कंट्रीज हैं, उससे पहले हमें ये बता होना चाहिए कि व्हाट इज लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज का मतलब ये है फिर ऐसी कंट्रीज होंगी वो लैंड से लॉक होंगी, यानी चारों तरफ उसके क्या होगा, लैंड होगा, और उसके चारों तरफ क्या होगा, सिर्फ लैंड होगा, कोई भी सी नहीं होगा, कोई भी समुद्र नहीं होगा, कोई भी महासागर नहीं होगा, वो क्या होगा, लैंड लॉक कंट्री होगी। यानी उसके चारों तरफ कोई सा देश होगा और बीच में वो फंसा होगा, और जो इसकी तट रेखा होगी वो समुद्र से नहीं लगती होगी, वो उसकी समुद्री रेखा ना होगी, क्या होगी, थलीय रेखा होगी, ठीक है, वो थल होगा। बात करते हैं कौन कौन से लैंड लॉक कंट्रीज है। तो जैसे ये हैगा वर्ल्ड का नक्शा, ये हैगा मतलब साउथ अमेरिका में कुछ लैंड लॉक कंट्रीज हैं, अफ्रीका में कुछ लैंड लॉक कंट्रीज हैं, यूरोप में हैं, एशिया में हैं। इसको हम देखते हैं। देखिए, जो एशिया में कजाकिस्तान हैगा, जो कजाकिस्तान कहाँ पर रहेगा, तो ये एशिया के सेंटर में है, इसको सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं। इसके अंदर पांच कंट्रीज आती हैं और सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान हैगा। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लैंड ऑफ कंट्रीज है, वो सबसे बड़ा लैंड ऑफ कंट्री है वो कौन सा है, वो है कजाकिस्तान, ठीक है, यहाँ लिखा भी है द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड ऑफ कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान है। और ये किन किन देशों से घिरा हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा ये है रसिया, यहाँ पर है किर्गिस्तान, यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, और यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पर है कैस्पियन सी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने अभी आपको कहा था कि लैंड लॉक का मतलब होता है कि वो चारों तरफ से किसी भी सी से ना लगता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कैस्पियन सी आ गया, लेकिन देखिए सी का मतलब क्या होता है, पहले देखिए, सी का मतलब होता है जो कहीं से भी बंद ना हो,
आप कैप्शन से यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चारों तरफ से बंद है, तो ये किस प्रकार से सी है? तो ये सी नहीं है, ये एक झील है, जो कैस्पियन सागर है वो कोई सागर नहीं है, वो झील है, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है और झील हैगा, इसीलिए जो कजाकिस्तान हैगा वो क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री तब नहीं होगा जब वो किसी सी से लगेगा, लेकिन जो कजाकिस्तान है वो कोई सी नहीं है। तो ये किन किन राज्यों से लगता है? तो रसिया से, और इस साइड चाइना है, चाइना से, कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है, इन इन कंट्रियों से कजाकिस्तान लगता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो वो है मंगोलिया। देखिए ये है कजाकिस्तान, इसी के जस्ट आप ईस्ट में देखेंगे तो ये है मंगोलिया, जो चीन और रसिया से बीच में हैगा, और इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हो कोई भी सी नहीं है, तो ये क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, और ये सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट ये है अफ्रीका का मैप, और अफ्रीका में आप देख पा रहे होंगे कई सारे देश हैं, जैसे माली, नाइजर, और ये चैड, इथियोपिया, जोम्बिया, जाम्बिया, बोत्सवाना, ये कई ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। इसमें से आपको एक याद रखने की जरूरत है, जो है इथियोपिया, ये किसी भी सी से बॉर्डर नहीं लगाती, ये है इथियोपिया, ठीक है। नेक्स्ट साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कितने लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो ओनली टू, और कौन कौन से, वो है बोलीविया और है पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे। नेक्स्ट देखिए ये है साउथ ईस्ट एशिया का मैप, और ये है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। आप यहाँ पे लाओस को देख सकते होंगे, तो ये लाओस दिख रहा है आपको, ये किसी भी सी से बॉर्डर नहीं लगाता, तो ये भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। अब नेक्स्ट डबल लैंड लॉक कंट्री, डबल लैंड लॉक कंट्री क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए डबल लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये हैगा कि मान लेते ये है लैंड लॉक कंट्री, और यहाँ पर भी एक लैंड लॉक कंट्री है, अगर उसके बीच में कोई कंट्री आ जाती है और वो भी क्या हो जाए, चारों तरफ से घिर जाए, किस चीज़ से, थल से, तो वो क्या होगी, डबल लैंड लॉक कंट्रीज, यानी वैसी कंट्री जो लैंड लॉक कंट्रीज है उनसे ही घिर रही है। जैसे यहाँ पर है कजाकिस्तान, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, और यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, ये भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि इसके आसपास भी कोई सी नहीं है, ये तो कैस्पियन सागर है जो झील है। अब यहाँ पे ये तो उज्बेकिस्तान है, अब ये क्या हो गया, ये लैंड लॉक कंट्रीज से घिर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डबल लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसे डबल लैंड लॉक कंट्री है, तो पहला कौन सा हो गया, ये हो गया उज्बेकिस्तान, और दूसरा कौन सा है, वो है लिक्टेंस्टाइन, लिक्टेंस्टाइन, लिक्टेंस्टाइन कहां पर है, देखिए ये एशिया का मैप है, और एशिया में ये है स्विट्जरलैंड और ये है ऑस्ट्रिया, इसके बीच में बहुत ही छोटा, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा ये देश हैगा, इसका नाम है लिक्टेंस्टाइन, और ये हैगा सेकंड नंबर पे डबल लैंड लॉक कंट्री। नेक्स्ट बफर कंट्री, अब बफर कंट्री क्या होती है, देखिए बफर स्टेट इज अ कंट्री लाइंग बिटवीन टू राइवल और पोटेंशियली हॉस्टाइल ग्रेट पावर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट पावर, मान लेते हैं कि कोई देश है का जो बहुत ही समृद्ध है, जिसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा है, वो पावरफुल है, और इधर भी ऐसी ही कोई कंट्री है जो इसके पास भी सेम पावर है, और बीच में एक छोटी सी कंट्री आ जाती है जो लैंडलॉक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बफर कंट्री। वो क्या होती है, वो लैंडलॉक भी होती है और बफर कंट्री भी होती है, जो ऊपर और नीचे यानी उसके जो आगे पीछे होंगे वो क्या होंगे, पावरफुल होंगे। जैसे इंडिया, इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, और यहाँ पर एक चाइना है, ये भी पावरफुल कंट्री है। अब इसके बीच में जो देश फंस गए हैं, जैसे नेपाल, अब ये क्या है, ये एक बफर कंट्री है, और यहाँ पर भूटान, ये भी क्या है, एक बफर कंट्री है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बफर कंट्री क्या होती है। देखिए नेक्स्ट आइलैंड,
द्वीप क्या होते हैं? देखिए मान लेते हैं कि ये कोई लैंड है और इसके चारों तरफ वाटर है, क्या है? वाटर है। तो जो ये बीच वाला हिस्सा हैगा, स्थल वाला, लैंड वाला, इसको बोलते हैं द्वीप। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपको लैंड दिख रहा है और इसके चारों तरफ आपको वाटर दिख रहा है, तो ये क्या हैगा, ये आइलैंड हैगा। देखिए ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है लक्षद्वीप द्वीप समूह, यानी बहुत सारे द्वीपों का समूह है। और द्वीप मतलब क्या, तो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैंगे, ठीक है। अब ये हैगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो ये भी क्या है, ये द्वीप हैंगे जो इस प्रकार से हैंगे, इनके चारों ओर क्या हैगा, पानी से घिरे हुए, या मालदीव है। नेक्स्ट प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है, देखिए पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा लैंड, ऐसा एरिया जो तीन तरफ से, मतलब तीन साइड से पानी से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज है और ये पानी से यहां से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, तो ये एरिया होगा उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। देखिए ये कुछ वर्ल्ड में पेनिनसुला आएंगे, जैसे ये हैगा डेक्कन पेनिनसुला, ये है इंडो चाइना पेनिनसुला, ठीक है, ये कुछ वर्ल्ड के हैंगे पेनिनसुला। देखते हैं इसको आगे। देखिए सबसे पहले पे है इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, दक्कन का प्रायद्वीप। ये कहाँ से कहाँ तक हैगा, तो ये आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या आएगा, वाटर रहेगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, वाटर रहेगा, और नीचे भी क्या आएगा, वाटर रहेगा। इस साइड क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इधर क्या है, हिंद महासागर। तीनों ओर से ये पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, इंडिया है, सिंपल सी बात है, तो इंडियन पेनिनसुला। देखिए ये है सऊदी अरेबिया, देखिए ये यहाँ से भी पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर फारस की खाड़ी है और यहाँ पर अरेबियन सी। ये भी क्या है, ये भी चारों तरफ, सॉरी तीन तरफ से घिरा हुआ है, डेफिनेट सी बात है, ये भी क्या है, एक पेनिनसुला है और इसका नाम क्या है, अरेबियन, अरेबियन पेनिनसुला। नेक्स्ट इंडो चाइना पेनिनसुला। देखिए अगर हम म्यांमार को, थाईलैंड को, लाओस को, वियतनाम और कंबोडिया को एक ही माने, क्या माने, एक ही द्वीप माने या फिर एक ही लैंड माने, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों तरफ से क्या हो रहा है, एक ये हो गया, एक इधर हो गया और ये नीचे साइड से भी क्या हो रहा है, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, एक पेनिनसुला है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला। देखिए ये है अफ्रीका, अफ्रीका का ईस्ट पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला। अब पहले बात करते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते, इसमें इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया आते हैं, यानी जो आपको ये एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये भी क्या हो रहा है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए ये एक पेनिनसुला भी हैगा। ये आप देख पा रहे हो ये हॉर्न की तरह निकला हुआ है यहाँ पे, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। कोरियन पेनिनसुला, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, ये भी तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरे हुए हैं, इसीलिए ये कोरियन पेनिनसुला हैगा। ये चाइना है, ये रसिया है। देखिए जापान है, जापान कोई पेनिनसुला नहीं है, जापान एक द्वीप है। जापान क्या है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है। नेक्स्ट हमारा आएगा कैप। अब कैप होता क्या है, कैप को हिंदी में बोलते हैं अंतरिप, क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतरिप। देखिए अंतरिप यानी क्या होता है, कि ऐसा कोई लैंड जो बहुत ही पतला हो और तीनों ओर से घिरा हो, ठीक है, मतलब बहुत कम एरिया पानी की तरफ जाता हो, उसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष। अभी जो हमने बात करी इससे पहले, जो पेनिनसुला होता है उसका जो लैंड होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा उसका लैंड मास ज्यादा होता है, लेकिन जो अंतरिक्ष होता है, फिर कैप होता है, उनका जो लैंड मास होता है बहुत ही कम होता है। जैसे ये लिखा हुआ है कैप कोमोरिन, ये है इंडिया का मैप, और अगर हम इसको जूम करते हैं इस एरिया को, मतलब साउथ वाले एरिया को, तो ये है साउथ वाला एरिया और यहाँ पर है कैप कोमोरिन,
कोमोरिन। इसी कैप कोमोरिन पे क्या हैगा? कन्याकुमारी। इसी कैप कोमोरिन पे क्या है? कन्याकुमारी। देखिए ये मैंने ऐसी सिर्फ आपको समझाने लिए कर रखा है, फोटो लगा रखी है। बहुत ही छोटा सा एरिया आता है बाहर पानी की तरफ, जो तीनों ओर से क्या होता है? गिरता है। मान लेते हैं कि ये कैप कैमरिन है, तो इसी के ऊपर क्या है? कन्याकुमारी है, मान लेते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्रिक, सोता, हिंदी में बोलते हैं सोता और इंग्लिश में बोलते हैं क्रिक। अब क्रिक क्या होता है? देखिए बहुत ही पतला सा लैंड जिसके अंदर पानी चला गया, समुद्री पानी उसके अंदर घुस गया, उसको हम बोलते हैं क्रिक। जैसे ये है इंडिया का मैप और गुजरात, और गुजरात का जो ये एरिया हैगा सर क्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो पानी इसके अंदर घुस रहा है, ये क्या बना रहा है? ये क्रिक बना रहा है। देखिए गल्फ, बे और बाइट, यानी खाड़ी, खाड़ी और बाइट। देखिए गल्फ को भी खाड़ी बोलते हैं और बे को भी खाड़ी बोलते हैं और बाइट को भी खाड़ी बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है? देखिए जो गल्फ होता है वो ऐसा एरिया होता है और जिसके अंदर पानी घुस जाता है, लेकिन ये जो जिसके अंदर पानी घुसता है, इनमें जो पानी घुसने की जगह होती है वो बहुत कम होती है, और जो बे होता है, बे के अंदर पानी बहुत ज्यादा घुस जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया होता है इसके अंदर। और जो बाइट होता है, आपने चंद्रमा देखा होगा, अगर चंद्रमा को मैं इस प्रकार से काट दूं, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, अगर आपको ऐसा कोई हिस्सा दिखाई देता है तो यहाँ पे पानी घुस जाता है, इसको बोलते हैं बाइट। आप देख पा रहे होंगे ये चंद्रमा के आकार का हैगा, इसके अंदर क्या घुस गया? पानी घुस जा रहा है, समुद्री पानी, इसको बोलते हैं बाइट। थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये है गुजरात का मैप, और ये आपको पतला सा एरिया दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर क्या जा रहा है? समुद्री पानी जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ये कच्छ एरिया आएगा, कच्छ जिला भी हैगा यहाँ पे, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, कच्छ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये बहुत छोटा सा पतला सा एरिया हैगा, इसके अंदर समुद्री पानी जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबा, ठीक है। और ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी एरिया देख पा रहे होंगे आप, इस प्रकार से एरिया आएगा जिसके अंदर पानी जा रहा है। ये है गल्फ ऑफ एडन, यानी हिंदी बोलते हैं अदन की खाड़ी। देखिए अभी तो हमने बात करी थी यहाँ पे बहुत छोटा सा एरिया था, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया हैगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम बे बोल रहे, बे ऑफ बंगाल, जो बहुत ज्यादा एरिया के अंदर पानी, समुद्री पानी जा रहे से उसको बे बोल रहे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। अभी हमने आपको बताया था कि बाइट क्या होता है। बाइट होता है जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का अगर हम आधा काट दें तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अगर ऐसी कोई आकृति आपको दिखाई देती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपको एयर दिखाई दे रहा है, ये भी आपको लग रहा होगा चंद्रमा के आकार जैसा, इसीलिए ये बाइट है, और इसका नाम क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देखिए ये है अफ्रीका का मैप, ठीक है। यहाँ पर देश है टोगो, खाना, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये भी कैसा है? ये भी एक चांद के जैसा है, इसीलिए ये बाइट ऑफ बेनिन, और यहाँ पर है बाइट ऑफ बोनी। ये बेनिन है और ये बोनी है, बाइट ऑफ बोनी, बाइट ऑफ बेनिन। तो आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।